दिन आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, उसके एक दिन पहले गटर में गटर साफ करते हुए कर्मचारियों की मौत हुई। विदेशी जो आएगा घूमने के लिए, उसको तो इंडिया गेट दिखाया जाएगा, उसको थोड़ी आनंद पर्वत दिखाया जाएगा, उसको थोड़ी झुग्गी बस्तियां दिखाई जाएगी, उसको थोड़ी दिखाया जाएगा कि दो दो हफ्ते में यहाँ एक बार टैंकर आता है। मोदी सरकार ने तो अलग अलग समय पे साफ दिखा दिया है कि वो एक मजदूर विरोधी सरकार है। पूंजीपति अडानी अगर विश्व का नंबर दो का अमीर हो गया तो इसलिए हुआ है कि मोदी सरकार का समर्थन है। अगर हॉस्पिटल इतने अच्छे हैं तो जब केजरीवाल की पत्नी बीमार पड़ती है तो वो मैक्स में क्यों जाती है? पानी की वहाँ स्थिति ये है कि एक तो टैंकर आता नहीं है, आएगा तो वहाँ पानी में सीवर की बदबू आती है, कीड़े मरे हुआ पानी। अगर किसी को इस पर डाउट है तो जाके वहाँ के लोगों से पूछे। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज़। इस वक्त मैं दिल्ली सचिवालय पर मौजूद हूँ, जी हाँ, वहाँ पर जहाँ सीएम केजरीवाल साहब बैठते हैं। लेकिन यहाँ पर आप कुछ लोगों को मौजूद देख रहे होंगे कि क्यों बैनर और ये तख्तियाँ लेकर और झंडे लेकर यहाँ पर क्यों मौजूद हैं, क्यों खड़े हुए हैं, अभी इन्हीं लोगों से जानते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम योगेश है, मैं बिगुल मजदूर दस्ता से हूँ। मोदी सरकार ने चार लेबर कोड लागू करे हैं, चार मजदूर विरोधी चार लेबर कोड हैं, जिसके तहत मजदूरों के लिए काम के 12 घंटे बढ़ने वाले हैं और भी मजदूरों के लिए मजदूर विरोधी कानून लागू होने वाले हैं। ये केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन अभी दिल्ली सरकार भी इसके लिए नियम बना रही है। तो दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार एक तरफ बात करती है आम आदमी की और मजदूर हित की बात करती है दिखावे के लिए, लेकिन असल में जो लेबर कोड, मजदूर विरोधी लेबर कोड मोदी सरकार लेकर आई है, वो दिल्ली सरकार भी इसे लागू कर रही है। तो दिल्ली सरकार इससे दिखता है कि जो मजदूर विरोधी चेहरा मोदी सरकार का है, वही केजरीवाल का भी है। मजदूरों के साथ उनका कोई हित नहीं है, दिल्ली के अंदर कोई भी कानून लागू नहीं है। कहने के लिए 17,000 लगभग न्यूनतम मजदूरी है, वो भी लागू नहीं होती है। तो इससे साफ आज हमें विरोध दर्ज कराने हैं दिल्ली सचिवालय पे। अलग अलग संगठनों से लोग आए हैं, मजदूर यूनियन से लोग आए हैं कि हम दिल्ली सरकार को ये चेतावनी देने आए हैं कि दिल्ली सरकार इन लेबर कोड को वापस से लागू ना करे, नहीं तो आने वाले समय पे यहाँ हजारों हजारों लाखों लाख मजदूर इकट्ठा होंगे और केजरीवाल के खिलाफ विरोध करेंगे। अभी आप केंद्र सरकार पे भी निशाना साध रहे हैं और केजरीवाल साहब पे भी निशाना साध रहे हैं, तो किसी सरकार पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा आपको। भरोसा कामों से होता है, भरोसा पॉलिसी से होता है। मोदी सरकार ने तो अलग अलग समय पे साफ दिखा दिया है कि वो एक मजदूर विरोधी सरकार है। हाँ, मजदूर विरोधी है, इतना काम कर रहे हैं, विकास पहुंच रहा है घर घर, गुजरात में रैली चल रही है उनकी। हम गुजरात हो या दिल्ली हो, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर चाहे कोविड के समय हुआ, लाखों लोग मजदूर, पूरे देश भर के अंदर जो मजदूर, वो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। जो बड़े बड़े बात करते हैं विकास हो रहा है, इसकी नाकामी थी साफ तौर पे कि लाखों गंगा में लाशें बहती रही पूरे दिल्ली, पूरे देश भर के अंदर जिस तरह मजदूर मरे, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे उससे पहले नोटबंदी रहा हो, वो साफ है कि मजदूर विरोधी सरकार काम कर रही है ये मोदी सरकार। और पूंजीपति अडानी अगर विश्व का नंबर दो का अमीर हो गया तो इसलिए हुआ है कि मोदी सरकार का समर्थन है। और हमें लगता है वही नीतियाँ कहीं ना कहीं दिल्ली में केजरीवाल भी लागू कर रहे हैं। मजदूर गरीबों के लिए तो वो लगातार काम कर रही है, केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, वो लगातार दावे वादे कर रही है। और फिर केजरीवाल साहब तो लगातार यहाँ पर पानी बिजली फ्री दे रहे हैं, स्कूल्स में स्माइल, इतनी हैप्पीनेस क्लासेस चल रही है, इतना बढ़िया सिस्टम है, सब कुछ चल रहा है बढ़िया। देखिए, जो आप ये बात कर रहे हैं ना, दिल्ली में अगर आप आके ज़मीन पे जाएंगे तो दिल्ली की जो मजदूर कॉलोनियाँ हैं, चाहे वो पूरी दिल्ली की कोई भी आप जाइए, मजदूर कॉलोनियों में ना पानी फ्री है ना बिजली। किराएदार मजदूर हैं, उनको मकान मालिकों से 8-8 रुपए यूनिट ले रहे हैं, उनके लिए कोई बिजली फ्री नहीं है। उनको 20 रुपए की बोतल खरीदनी पड़ती है साफ पानी के लिए, वो पानी नहीं की लाइन ही नहीं है। और उसके साथ स्कूलों में बताऊँ, मैं जमुनापार में रहता हूँ, जमुनापार के अंदर इस समय मुझे खुद वहाँ के प्रिंसिपल, 80% स्कूल हैं जो सिर्फ 2 घंटे काम कर रहे हैं। वहाँ स्कूलों में टीचर ही नहीं है, वहाँ पर जगह ही नहीं है, तो बच्चे आ रहे हैं, उनको 2-2 घंटे बुलाया जा रहा है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें दिखावे और विज्ञापनों में दिल्ली सरकार का चेहरा बहुत चमक रहा है। स्कूल्स दिखाए गए हैं, बच्चे दिखाए, बच्चों के इंटरव्यू दिखाए गए हैं, भाई मीडिया दिखा रही है। कुछ स्कूल मॉडल हैं, बस कुछ स्कूल हैं नाम मात्र के, कुछ स्कूल हैं। आप अगर दिल्ली के सारे स्कूल, पूरी दिल्ली के चारों तरफ जो स्कूल हैं, चाहे मायापुरी हो, चाहे क्या कहते हैं बलजीत नगर हो, चाहे क्या कहते हैं करावल नगर हो, खजूरी हो, अगर वहाँ के स्कूल आप जाएंगे तो वहाँ की हालत बहुत ख़राब है। कुछ उन्होंने मॉडल खड़े किए हैं बस, और कुछ इस तरह से एक आध दिखाने के लिए ये कुछ हॉस्पिटल का दिखाते हैं, लेकिन असल में
वो सच्चाई नहीं है। बहुसंख्यक स्कूल, मेजोरिटी के जो स्कूल है उनकी हालत खराब है। मोहल्ला क्लिनिक इतना बढ़िया काम कर रहा है, वो सब दिखाया जा रहा है, वो भी तो है। मोहल्ला क्लिनिक मजदूर बस्ती में है भी नहीं, बहुत सारी मजदूर बस्तियां वहाँ मोहल्ला क्लिनिक है भी नहीं, और मोहल्ला क्लिनिक हॉस्पिटल का विकल्प नहीं है। हॉस्पिटलों के अंदर अभी भी लाइनें लग रही हैं, वहाँ पे अभी भी डेट दी जाती हैं, बहुत लंबी लंबी। अगर हॉस्पिटल इतने अच्छे हैं तो जब केजरीवाल की पत्नी बीमार पड़ती है तो वो मैक्स में क्यों जाती है? जब इनका स्वास्थ्य मंत्री बीमार पड़ा था, उसको कोविड हुआ, तो वो मैक्स हॉस्पिटल प्राइवेट, हमें तो नहीं भेज सकते ये मैक्स में। सीएम है वो, उनकी बीवी अगर वैक्स में नहीं जाएगी तो क्या आप लोग जाएंगे? हम लोग जाएंगे। तो आम आदमी की बात करते हैं तो आम आदमियों की तरह से ही व्यवहार कर रहे हैं ना। यहाँ पे हम लोग आए हैं ज्ञापन देने, अभी हम लोग सब चार साथी गए, चार में से ही दो को रोक लिया, दो को जाने दिया, उसमें भी ओएसडी मिलता है। यहाँ पे ये बना रखा है कि श्रम मंत्री आज वर्किंग डे है, कोई मिलने को तैयार नहीं होता, और वो कहते हैं घर जाओ, घर जाते हैं तो कहते हैं सचिवालय जाओ। तो असल में केजरीवाल सरकार भी धोखा देने का काम कर रही है, और हम ये चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले समय पर लाखों लाख मजदूर दिल्ली के उतरेंगे और यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करेंगे। अभी सर ने कहा कि केजरीवाल सरकार भी है लगातार जो है लोगों के साथ धोखा कर रही है, कहाँ से धोखा कर रही है, कैसे धोखा कर रही है? देखिए, अभी आपने इनकी बात भी सुनी कि किस पे तो हम भरोसा करें, हाँ, सब सरकार, हाँ, ऐसा ही नहीं होता जी। दो चोर हैं, एक बड़ा है एक छोटा है दोनों ही चोर, दोनों चोर हो गए, यही अंतर है इनमें, एक छोटा चोर है एक बड़ा चोर है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, कोई अच्छा खराब वाला मामला नहीं है, यहाँ पे दोनों ही लूट रहे हैं। और अभी ये लगातार इनकी नीतियों में देखने को मिल रहा है। अभी जिस मुद्दे को लेकर के आज हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे कि चार लेबर कोड लाए जा रहे हैं, उन लेबर कोड से दिक्कत है जो बीजेपी लागू करना चाहती है, और बीजेपी के कुछ आका हैं, वो आका अडानी अंबानी है, जिनको लगातार मुनाफा पहुँचाने के लिए इन सारे लेबर कानूनों में बदलाव किया जा रहा है। वो कानून क्या है? आप कुछ कानून इस तरह से है कि आप पहले 20 मजदूर काम करते थे अगर कहीं पे, उसको फैक्ट्री माना जाता था, यानी फैक्ट्री माना जा रहा था, इसका मतलब है कि वहाँ पे कानून लागू होगा, जो जो भी स्टेट का जो कानून है, वहाँ का न्यूनतम मजदूरी कानून, ईएसआई, पीएफ, बोनस, इन सब का कानून लागू होगा। अब उस सीमा को बढ़ा के 50 कर दिया है, यानी कि अगर कहीं पर आप 50 वर्कर हैं तो वहीं पर फैक्ट्री कानून लगेगा। यानी बहुत सारे इलाके में, जैसे आनंद पर्वत, मायापुरी आप चले जाइए, यहाँ पे या कदमपुरी चले जाइए, यहाँ पे एक एक कमरे की फैक्ट्री बना दी गई है, उस कमरे में तीन तीन चार चार लोग काम कर रहे हैं, और तीन तीन चार चार लोगों से आप 16-16 घंटा काम करवा रहे हैं, उनको न्यूनतम मजदूरी तक आप नहीं दे रहे, ओवर टाइम छोड़ दीजिए आप। तो अब क्या कर रहे हैं, इस लेबर कोड के माध्यम से क्या होने वाला है, इनको कानूनी जामा पहना दिया जाएगा, इनको लीगलाइज कर दिया जाएगा। जो पुराने कानून के हिसाब से इलीगल माना जाता था, फिर भी होता था, लेकिन अब उन कानूनों को नए चार लेबर कोड के माध्यम से लीगल कर दिया जाएगा कि अब 12 घंटे का कानून का जो 12 घंटे का जो काम का कानून है वो अब लीगल हो जाएगा, ओवर टाइम उसमें आपको नहीं मिलेगा। से पैसे भी तो दिए जा रहे हैं मजदूरों से, अगर मजदूरी करवाई जा रही है तो घंटों के हिसाब से पैसे दिए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, सब कुछ ऐसा बोला जा रहा है। आनंद पर्वत इलाके में हमने सर्वे किया इसी बात को लेकर के कि दिल्ली सरकार कहती है कि न्यूनतम मजदूरी सब जगह लागू है। हमने मजदूरों से ही पूछना चाहा कि दिल्ली सरकार तो कह रही है, हमको झूठ लगता है ये, क्योंकि अगर 8000 मजदूर कमा रहा है और ये खुद बता रहा है मजदूर, तो फिर किसका हम विश्वास करें? एक बड़ी संख्या में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, दिल्ली का जो 98% जो इलाका है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहाँ पे जो मजदूर है असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, और वो बहुत बुरी स्थिति में काम कर रहे हैं। वहाँ पे 12-12 घंटा काम करा के 10-10 हज़ार की सैलरी दी जा रही है। दिल्ली गवर्नमेंट कहती है कि 17,000 कुछ रुपया न्यूनतम मजदूरी है, जिसके पास कोई स्किल नहीं है, मतलब अभी कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, उसको सामान उठा के यहाँ से वहाँ रखना है बस, उसका 17,000 कुछ रुपया है, वो अगर स्किल का है तो उसका 20,000 के ऊपर जा रहा है, ठीक है। कितनों को मिलना मैं जानना चाहूँगा, स्कूल्स में, इन्हीं के स्कूल्स में क्लर्क काम कर रहे हैं, उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा है, छोड़ दीजिए फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं मजदूर, ये सही हाथ कट जाता है, वहाँ पे कोई लेबर इंस्पेक्टर नहीं है, हाथ कट गया तो उसको मुआवजा नहीं मिलेगा, वो जो हाथ कटा है उसको ये साबित करना पड़ता है कि मैं इस फैक्ट्री का मजदूर हूँ। ये सब चीज़ चल रहा है फैक्ट्री में कि मालिक क्या करता है, सादे कागज पर साइन करवा लेता है, उसके बाद अपने हिसाब से चीज़ें उस पर लिख देता है। अगर आपका हाथ कट गया, आप मुआवजा मांगने जाएंगे तो मालिक क्या कहेगा, ये हमारे यहाँ काम ही नहीं करता है, वहाँ पे लेबर इंस्पेक्टर नहीं है, ये सारी चीज़ देख, मतलब कारनामा किया जा रहा है, इस तरह का कारनामा किया जा रहा है। आप देखेंगे कि बहुत सारे फैक्ट्री इलाके में अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो कहे जाते हैं, वहाँ पे
लेबर इंस्पेक्टर नहीं है वहाँ पे, जो मालिक हैं फैक्ट्रीज के उनका अपना यूनियन है जो ये डिसाइड करते हैं कि हमको कितना न्यूनतम मजदूरी देना है, हमको ESI PF बोनस देना है कि नहीं देना है, वो मालिक यूनियन डिसाइड कर रहा है, ये सरकार नहीं डिसाइड कर रही है और सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही है। जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने तो शुरुआत में इन्होंने ये कहा कि हम इंस्पेक्टर राज हटा देंगे, अरे इंस्पेक्टर राज की जरूरत थी वहाँ पे, एक तो पहले से ही थे नहीं, जो एक इक्के दुक्के आपने छोड़े हुए तो जो ये पता करते कि ये सेफ्टी में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहाँ पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप टॉयलेट करने के लिए कितना टाइम दे रहे हैं, वहाँ उनको सेफ्टी गियर दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, अटेंडेंस हो रहा है कि नहीं, आपके फैक्ट्री का कागज पे नाम है उस पे अटेंडेंस है कि नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। आप जब लेबर इंस्पेक्टर हटा दिए हैं तो जो फैक्ट्री मालिक है उनका एक छत्र राज चल रहा है, वो अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर रहे हैं और ये नाक के नीचे हो रहा है, यही आनंद पर्वत यहाँ से मुश्किल से 8 से 10 किलोमीटर दूर होगा। गरीब मजदूरों के लिए इतने काम करी केजरीवाल सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों इतना बोल रहे हैं, इतना काम भी कर रहे हैं, भाई विकास पहुँच रहा है, तभी तो उनको वोट भी जा रहा है लगातार, केंद्र सरकार को वोट देने वाले भी तो यही लोग होते हैं। भुखमरी में हमारा देश, गरीबी में हमारा देश 116-120 देशों के संख्या में 100वें नंबर पे आ गया, 101 नंबर पे आ गया, 104 नंबर पे आ गया, यानी हम बहुत सारे देशों से पिछड़ गए हैं इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद। ये तो सरकार का ही डाटा, ये हमारा डाटा नहीं है, अभी गवर्नमेंट के इन्हीं के मंत्री पिछड़ गए तो पिछड़ जाने दीजिए, हिंदू राष्ट्र तो बन गया ना। अब हिंदू राष्ट्र में जो हिंदू के जो गरीब हैं, हिंदू के जो गरीब मेजोरिटी जो गरीब है हिंदू का 90%, वो गरीब क्या कर रहा है, वो हिंदू का जो मेजोरिटी गरीब है वो मजदूरी कर रहा है, बहुत सारे को सैलरी नहीं मिल रहा है, बहुत सारे चाहिए उन्हें नौकरी इतनी प्यारी नहीं है, इतना हिंदू राष्ट्र हमें ऐसा लगता है और ये सरकार को ऐसा लगता है कि उन्हें हिंदू राष्ट्र चाहिए। अभी जाइए, चलिए मेरे साथ कहीं बलजीत नगर में, यहाँ मैं मिलवाना चाहूँगा अलग अलग इलाकों में जहाँ पानी के लिए मारामारी हो रहा है, जा तो रहे हैं आप, कह रहे हैं कि इतना विकास हो गया, इतना विकास हो गया कि चांद से जाके मंगल से जाके मिनरल ला रहे हैं, 10 लीटर पानी के लिए जान चली जा रही है, कहीं पे पानी नहीं पहुंच पा रहा, आज भी टैंकर से पानी जा रहा है, ये फ्री मिल रहा है, पानी साफ आ रहा है, लगातार दावे वादे हो रहे हैं, ये इनको आपको टहलना चाहिए कुछ कुछ इलाकों में, मीडिया पर्सन को भी टहलना चाहिए, इनके मंत्री को भी टहलना चाहिए, आनंद पर्वत में वहाँ के लोग 4-4, 5-5 बार वहाँ के जो विधायक है राजकुमार आनंद उनके घर का घेराव कर चुके हैं पानी के मुद्दे को लेकर के। पानी की वहाँ स्थिति ये है कि एक तो टैंकर आता नहीं है, आएगा तो वहाँ पानी में सीवर की बदबू आती है, कीड़े मरे हुआ पानी, अगर किसी को इस पर डाउट है तो जाके वहाँ के लोगों से पूछे या लोगों को वहाँ का झेल ले, ऐसी ऐसी गालियाँ मिलेगी अगर अभी कोई वहाँ का मंत्री चला गया आम आदमी पार्टी का कि हम पानी दिलवाएंगे, हम पानी दिलवा रहे हैं, ऐसी ऐसी गालियाँ वहाँ के लोग तैयार करके रखे हुए हैं ना, आप यकीन नहीं कर सकते हैं, इन्हीं आम आदमी के लोगों, यही आम आदमी के मंत्रियों के लिए। तो ये हमें लगता है कि सारी चीज़ें हो रही है क्योंकि टीवी पे तो और होर्डिंग पे सारा चीज़ लगा दिया कि सब विकास हो रहा है, सारा विकास तो होर्डिंग पे हो रहा है ना, आपने जनता के पैसे के 500-500 करोड़ रुपए लगा के होर्डिंग पे लगा दिए, आपने कितना वो सुविधा देने के लिए लगाया, नहीं है सुविधा, आप अलग जगह चीज़ों स्कूल की बात कर रहे हैं, इन्हीं के स्कूल की बात बताता हूँ, ऑटो में घर जा रहे हैं, ऑटो वाले के घर जा रहे हैं खाना खाने, ऑटो वाले का दर्द समझ रहे हैं केजरीवाल जी, गुजरात में वो अपने छांटे हुए ऑटो वालों के पास ना जाए ना, छांटे हुए थे, छांटे हुए ऑटो वालों के पास जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो तो कहेगा कि भैया मंत्री साहब है, एक राज्य के मंत्री हमारे आए हैं, बहुत खुशी की बात है, तो आप एक काम कीजिए ऑटो यूनियन है जाके मिलिए उनसे, जाइए दरियागंज में या पहाड़गंज में वहाँ के ऑटो यूनियन वालों को ये सारी चीज़ें बता दीजिए, या जो ऑटो चलाते हैं अलग अलग जगह उनको इस बात के लिए आप मना लीजिए कि आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं जानना चाहूँगा कि कितना उनमें से कितना लोग समर्थन करते हैं, आप कुछ कुछ 10-15 ऑटो वालों को चुन लीजिए, सेम उसी तरह जिस प्रकार मोदी जी खाली मेट्रो में सफ़र करते हैं और कहते हैं कि हम मेट्रो में सफ़र किए आम जनता के साथ, तो उसी तरह चुन लिए, कौन मानेगा कि वो रेंडमली जाइए चल रहा है रोड पे किसी को भी बुलाइए कहिए, अब जाहिर सी बात है अगर किसी के ऑटो में मुख्यमंत्री बैठ भी गया तो ऑटो वाले को तो खुशी होगा कि भैया मुख्यमंत्री बैठा है, उसको क्यों दुख होगा, तो आपने दिखा दिया कि हम ऑटो वाले का दर्द समझ रहे, अब उस दर्द समझ लिए किया क्या उसका दर्द, जैसे उसका क्या आपने सैलरी बढ़ाने का कुछ काम किया है, कायदे से गवर्नमेंट को पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाना चाहिए ताकि ऑटो वाले को बाकी रिसोर्सेज बाकी कामों में लगाया जा सके ताकि राज्य का और देश का विकास हो, तो आपने उनको ऐसे कामों में दसोड़ दिया और उसकी आप एक तरह से मतलब महिमा मंडन कर रहे हैं, ऑटो क्यों चलना, क्यों नहीं बसेस चलनी चाहिए, क्यों नहीं ऑटो वाले को सरकार की तरफ से नौकरी मिलना चाहिए,
मतलब ऑटो चला रहे आप उसका महिमा कीजिए। बस भी चल रही है तो उसमें महिलाओं के लिए कितनी सुविधा है, फ्री फ्री दे और बसेस चलाइए ना, बस में ड्राइवर की पोस्ट कीजिए, परमानेंट पोस्ट कीजिए। आज जितने भी डीटीसी के ड्राइवर है, कंडक्टर है, सब कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं, ज़्यादातर उस पर कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं, आपने उनका कुछ कर नहीं रहे। ऑटो हम कह रहे हैं कि ई रिक्शे वाले से जाके आप पूछ लीजिए, अरे जाइए आप ठेले वाले से भी पूछ लीजिए, उसके भी घर का राय ले लीजिए, उसकी भी मनोस्थिति जानी है। अरे सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार जब जनता से टैक्स ले रही है, सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को जॉब दे, जो लोग खुद अपने आप जॉब ढूंढ रहे, इससे बड़ी शर्म की बात होनी चाहिए सरकार के लिए। वो कह रहे हैं मैं उनका दुख पहचान रहा हूँ, क्या किए दुख पहचान के? आपका मंत्री, श्रम मंत्री, श्रम के मुद्दे पर लोग मिलने आए हैं, मजदूर मिलने आए हैं, उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। आपने ओएसडी रखा हुआ है, जो ओएसडी, ये ओएसडी कहता है कि दो लोग से मिलेंगे हम, ये चुनने वाले हैं अब कि किन लोगों से मिलेंगे, किन से नहीं मिलेंगे। और जब कहा जाता है कि फिर ओएसडी से अपने हिसाब से मिलना हो रहा है, अपने हिसाब से मिलेंगे, और जब कहा गया कि आप नीचे आके हमसे बात ही कर लीजिए, अब ज्ञापन ही लेना है, और ज्ञापन लेके आपको यही कह देना है कि हम आगे बात फॉरवर्ड कर देंगे, ये बात नीचे ही आके बता दीजिए, मेमोरेंडम ले लीजिए। तो इसमें ये कह रहे हैं कि इतने बड़े अफसर हैं, उन नीचे आएंगे, मतलब ऐसे नहीं छोड़ सकते, और ये आम आदमी है। अभी जब हम यहाँ से आ रहे थे तो बैरिकेड हटाने के लिए, बैरिकेड हटाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हट जाइए यहाँ से, वीआईपी का मूवमेंट होगा, मतलब खास जो आम आदमी था वो वीआईपी हो गए हैं, वो एसी से नहीं निकलेंगे। भाई सीएम बन गए तो अब वीआईपी नहीं बनेंगे तो, क्या नौटंकी ना करें ना कि हम आम लोगों के लिए हैं, गरीबों के लिए हैं, ये नौटंकी बंद नहीं। कितनी बार रोडों पे बैठे हैं आपने? अब किसके लिए बैठे हैं? आप ही लोगों के लिए बैठे थे। आम जनता के लिए कब बैठे हैं? आए बैठे हमारे साथ, आज क्यों नहीं बैठे? आज मंत्री जी कहाँ थे? गुजरात इलेक्शन में बिजी है, दिल्ली का सारा समस्या सॉल्व हो गया, आप गुजरात में देखें अपना काम ना देखें, आपके साथ रोडों पे बैठे। कौन सा काम देख रहे हैं? काम देख रहे होते तो इसी दिल्ली में पानी की दिक्कत होती लोगों को, इसी दिल्ली में जाइए आप आनंद पर्वत, किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाके पता कीजिए, हर मजदूर का वहाँ हाथ पैर उंगली कुछ ना कुछ आपको कटा हुआ मिलेगा। मालूम कीजिए कितना काम किए हमको, जो लुटियन दिल्ली और दिल्ली का ये वाला इलाका दिखा करके कहते हैं बहुत साफ है ना, तो मालूम कीजिए अंदर जाके, असली जो दिल्ली है इन्हीं के सेंटर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, अभी लुडलो कैसल के तरफ यहीं इनके सीएम आवास के कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे बच्चे वहाँ स्कूल के मर्ज किए जाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, दिल्ली गवर्नमेंट का स्कूल, ये बात करते हैं इन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट का स्कूल सुधार दिया है। बवाना में कुछ सालों पहले स्कूल को मर्ज किए जाने के कारण स्कूल के बच्चे प्रदर्शन में बैठे हुए थे कि शाम को हम शाम की पढ़ाई नहीं करेंगे, शाम की पढ़ाई करेंगे तो हमको ठेला लगाना पड़ता है, हमारे घर का किराया नहीं निकल पाएगा, ये बवाना स्कूल के बच्चों की शिकायत थी। टीचर्स नहीं है स्कूल में, इनका एक इन्होंने एक सेंटर ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस करके एक स्कूल नया स्कूल का नया फॉर्मेट बनाया जिसमें एकदम टेक्निकल और मेडिकल स्टूडेंट को पढ़ाया जाएगा। स्कूल्स में स्विमिंग पूल दिखाया जा रहा है, पूरा सब कुछ ऐसा। स्कूल में बाथरूम तो है नहीं इनके ज़्यादातर स्कूल में, पुराने स्कूल जो बने हुए थे उन पर चार कमरे बना दिए, उसको कह दिया कि बहुत तरक्की करवा दिया। अभी प्रतिभा स्कूल में इन्होंने सेंटर ऑफ सेंट्रल कुछ स्पेशलाइज एक्सीलेंस करके एक नया स्कूल का मॉडल बनाया। उस स्कूल का मॉडल ये है कि एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर से प्राइवेट कोचिंग सेंटर को इन्होंने हायर किया हुआ है, वो प्राइवेट कोचिंग सेंटर वीडियो के थ्रू क्लासरूम में क्लासेस दे रहा है, और कुछ चार पांच जो पढ़े लिखे थोड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको साइड में लैपटॉप दे दिया गया, और बाकी बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन के नाम पर के कोई कोचिंग सेंटर है प्राइवेट, उसका कोचिंग सेंटर का वीडियो चलाया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट पे, और ये सरकारी स्कूल में हो रहा है, बरगलाया जा रहा है। ये भी केंद्र सरकार की तरह, मतलब जो लोग कहते हैं केंद्र सरकार अगर इस तरीके से कर रही है तो केजरीवाल सरकार जो काम कर रही है तो यानी ये भी बरगला रही था काम बरगला रहे हैं और लोग बरगला जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि लोगों को ये दिख नहीं रहा, लोगों को दिख रहा है, लोगों को मालूम है कि क्या स्थिति है। तो लोग फिर किस तरफ जाएं अगर ये सरकार है ये काम नहीं कर रही, और फिर केंद्र सरकार पे भी आप आरोप लगा रहे हैं, फिर केजरीवाल साहब पे भी आरोप लगा रहे हैं, तो फिर कौन सी सरकार होनी चाहिए? लोगों को लड़ना पड़ेगा, लोगों को रोड पे आके आंदोलन करना पड़ेगा। 75 साल आजादी को हो गए हैं, लेकिन आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिस साल चक रहे हैं लोग, जिस दिन आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया उसके एक दिन पहले गटर में गटर साफ करते हुए कर्मचारियों की मौत हुई, मतलब विडंबना देखिए कि हम लोग 21वीं सदी में पहुंच गए हैं, हमारे यहाँ तमाम तकनीक है, हम चांद पे जाएंगे, मंगल पे जाएंगे, वहाँ से खनिज लाएंगे, पानी लाएंगे, लेकिन गटर में हम लोग 100 रुपये के लिए किसी आदमी का जान दे देंगे? हमारे पास मशीन है गटर साफ करने के लिए, लेकिन मशीन का 20,000 लगेगा, मजदूर 100 रुपये में जान दे दे रहा है, इससे सस्ता क्या? किट वगैरह तो प्रोवाइड की जा रही है, कुछ नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, नहीं तो मजदूर क्यों मरता? अभी कुछ दिनों पहले फिर सफाई कर्मचारी मरे हैं डूब के गटर में,
सेफ्टी टैंक में यानी कि किट नहीं है, सेफ्टी गियर नहीं है, आप बोलने के लिए बोल दीजिए। अब इस पे ये चीज़ मीडिया में नहीं आएगी, मेन स्ट्रीम मीडिया इन्होंने खरीदी हुई है, तो लोगों को भी कैसे लगेगा, लोगों को कैसे मालूम चलेगा कि सच्चाई क्या है। तो आप बरगलाएंगे ना, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा दीजिए, ये विकास कर दिया, क्या विकास कर दिया, जाइए जनता के बीच में। आम नहीं हो रहा है, इतना सब कुछ टाइट कर दिया है। देखिए मोदी जी लगातार टाइट कर रहे हैं, चाइना टाइट हो रहा है, पाकिस्तान टाइट हो रहा है, अब इस्लामिक देशों जो बनाने की कोशिश की जा रही थी PFI बैन कर दिया है। इन्हीं के विदेश मंत्री है जयशंकर, एस जयशंकर, अभी कहा है 2000 रुपये डॉलर यहाँ पे पर कैपिटा इनकम है लोगों का, आप जोड़ लीजिए साल का क्या हिसाब होगा डॉलर के हिसाब से, वो उससे भी नीचे जाएगा, वो उससे भी नीचे जाएगा, ठीक से आप उसको जोड़ना चाहें तो। इनका अगर मंत्री इतना कम बता रहा है, सरकारी ऑफिशियल डाटा में तो जानबूझ के चीज़ों को छुपा के बताया जाता है, अगर सरकारी ऑफिशियल अगर इतना कम बता रहे हैं तो सोचिए हकीकत क्या होगी। यानी कि हकीकत में स्थिति बहुत बुरी है और छुपाने की कोशिश की जा रही है। कैसे छुपाएंगे आप? आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे, 26 जनवरी को इंडिया गेट सजा देंगे, 15 अगस्त को आप इंडिया गेट सजा देंगे, तो वो एक गाना था कि सुबह सवेरे उठ के मैंने मेकअप कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। मतलब कि मेकअप कर लीजिए, कुछ मालूम ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है आपके जीवन में। तो 15 अगस्त 26 जनवरी को एक दिन डेंटिंग पेंटिंग कर दीजिए, विकास का मेकअप किया जा रहा है, मालूम नहीं चलेगा ना पीछे सच्चाई क्या है। इंडिया गेट सजा दीजिए एक दिन, अब विदेशी जो आएगा घूमने के लिए उसको तो इंडिया गेट दिखाया जाएगा, उसको थोड़ी आनंद पर्वत दिखाया जाएगा, उसको थोड़ी झुग्गी बस्तियाँ दिखाई जाएगी, उसको थोड़ी दिखाया जाएगा कि दो हफ्ते में यहाँ एक बार टैंकर आता है। तो यही सब चल रहा है, जब यही सब करना है तो कीजिए, उसमें बात वही है, चोर चोर में से मोसेरे भाई, BJP कांग्रेस आई और एक नया आम आदमी आई, तो सब वही है, मोसेरे भाई है, सब वही है, कोई दूध का दूल्हा नहीं है। और इनसे अगर जनता को अपने अधिकारों के लिए बोलना है, अब बोलना पड़ेगा, अगर आपने उनको सही अपना जीवन सुधारना है तो उनको रोड पे आके लड़ना पड़ेगा। चुनाव पिछले 75 साल से हो रहा है, आप देख लीजिए आज़ादी से लेकर के अभी तक, आप देख लीजिए मजदूरों की स्थिति में क्या सुधार आई है, लगातार पूंजीपतियों का मुनाफा बढ़ा है, जो ये दिखाता है कि हर सरकार पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है, इनकी नीतियाँ एक ही रही है, सरकार के चेहरे अलग अलग हैं, कभी नेहरू है, कभी गांधी है, कभी मोदी है, कभी अभी फिर से राहुल गांधी आ जाएगा, कभी आम आदमी है, कभी केजरीवाल है, कभी खास आदमी होगा, सबका चेहरा वही है, सबकी नीतियाँ वही हैं। इनकी नीतियों में खाली पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुँचाना है और गरीबों को नुकसान पहुँचाना है। जाहिर सी बात है पूंजीपति को फ़ायदा एक ही स्थिति में होगा, जब कुछ लोग बहुसंख्यक को नुकसान होगा। सबको फ़ायदा हो, आम जनता को फायदा हो, पूंजीपति को भी फायदा हो, ये पॉसिबल ही नहीं है, इस व्यवस्था में ये संभव ही नहीं है। अब मैं दूसरा इस लेबर कोड से जुड़ा हुआ आपको कारण बता देता हूँ। 12 घंटे का, अगर 12 घंटा काम कर रहे हैं, दो आदमी मिलकर अगर कोई काम 12 घंटा में कर रहा है, तो अगर पॉपुलेशन बढ़ जाता है तो तीन आदमी उस काम को कितना घंटा में करेगा? 8 घंटा में करेगा। ये पाँचवीं क्लास का मैथ्स है, ये पाँचवीं क्लास का मैथ्स है, बेसिक सा कहता है कि अगर जनसंख्या बढ़ जाती है तो काम के घंटा कम कर देना चाहिए सबको नौकरी देने के लिए, सबको नौकरी देने के लिए काम का घंटा कम कर देना चाहिए। आप 12 घंटे काम का कानून बना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप दो ही आदमी से तीन आदमी काम कराएंगे ताकि आपको एक आदमी का कम सैलरी देना पड़े। तो आप किसके मुनाफे के लिए कर रहे हैं? एक आदमी का अगर कम सैलरी देना पड़ेगा ज़्यादा काम करा के, तो ये तो मालिक के हाथ में जाएगा, इससे नुकसान किसको होगा? वो जो दो लोग काम कर रहे हैं वो ओवरबर्डन होंगे, तीसरा का बेरोजगार होगा। यानी आप बेरोजगारी बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और इस व्यवस्था में अगर किसी को भी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, अगर किसी भी युवा को या किसी भी पढ़े लिखे इकोनॉमिस्ट को अगर ये गलत फहमी है कि इस व्यवस्था में, जिस व्यवस्था में प्राइवेटाइजेशन को मूल बना दिया जाता है, उस व्यवस्था में बेरोजगारी इसका जरूरी अंग है, इस व्यवस्था में जब तक आप प्राइवेटाइजेशन को ख़त्म नहीं करेंगे बेरोजगारी नहीं ख़त्म होगी, और स्ट्रक्चरली इस व्यवस्था में दिक्कत है। अगर मुनाफे पे आप काम करेंगे आप सबको रोजगार नहीं दे सकते, ये क्लियर कट है, ये लोगों को समझना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी देखा आपने किस तरीके से लगातार लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, और उसके बाद यहाँ पर जो केजरीवाल सरकार है मिलने के लिए तैयार भी नहीं होती है, केजरीवाल साहब AC की हवा में आराम फरमाते हैं, और चुनाव के लिए उनको बहुत सारे चुनावी मुद्दे देखने हैं, गुजरात में चुनाव है, तो लगातार अब जो पार्टियाँ लगातार लगी पड़ी हैं तो वो चुनावी मुद्दे पर लगी पड़ी हैं। लेकिन ये आम जनता क्या करे, गरीब मजदूर क्या करे, जिनके
हक अधिकारों को हमेशा से कुचला जाता है, दबा दिया जाता है, उनकी मजदूरी तक उन्हें नहीं दी जाती है और किस तरीके से बेरोजगारी लगातार चरम पर है। लेकिन अभी आपने सुना कि किस तरीके से विकास का मेकअप करके सजावट कर दी जाती है, विकास को दिखा दिया जाता है, लेकिन विकास घर घर पहुंचने की जो दावे वादे किए जाते हैं वो विकास पहुंचता हुआ दिख नहीं रहा है। ये वही लोग हैं, वही आम जनता है जो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन करती है, रोडों पर आती है, अपने आवाज़ों को बुलंद करती है और हमेशा उन्हें आना ही पड़ता है रोडों पर। क्यों आना पड़ता है इनकी नीतियों के खिलाफ, हमेशा से सरकार की नीतियों के खिलाफ उनको क्यों आना पड़ता है, ये सोचने वाली बात है अपने में ही। किस तरीके से मजदूरों के अधिकारों को छीना जा रहा है, किस तरीके से उनकी मजदूरी को घटा दिया जा रहा है और 12-12 घंटे उनसे काम लिया जा रहा है, तो आप ये सोचिए कि श्रम मंत्री क्या कर रहे हैं। लगातार सिर्फ ये मेकअप करके दिखा दिया जाता है और जो विकास दिख रहा है वो आप और हम सबको सामने है। तो इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, दिल्ली सचिवालय।